लीची खाना किसे पसंद नहीं होता है, पर यदि आपको गर्मियों के दिनों में लीची की जगह पे लीची के पॉप्सिकल्स या फिर उसके जूस मिल जाए तो फिर क्या कहने। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लीची के पॉप्सिकल्स और जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमने यहाँ पर फ्रेश लीची ले रखी है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसका छिलका हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अपने गार्डन की फ्रेश लीची ली है जो कि खाने में थोड़े खट्टे हैं, पर आपको जो भी लीची अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। ये लीची अधिक खट्टे नहीं है, बस हल्के खट्टे हैं। इससे होगा कि हमारा पॉप्सिकल जो है वो खट्टा मीठा बनेगा, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले हम सभी लीची के छिलके उतार लेते हैं। और इस तरह से बीच पे कट करके इसका बीजा भी निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ लीची छील करके तैयार करके रख लिया है। इससे अब हम इसका बीज निकाल लेते हैं। मैंने लीची से सभी बीजों को अलग कर दिया है। अब चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम कोई एक बर्तन लेंगे जिसमें कि लीची को हम पकाएंगे। अब इसमें लीची के टुकड़े डालेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी बराबर मात्रा में लेंगे, जितना हम लीची लेंगे उतना ही हम चीनी भी लेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। इसे अधिक नहीं पकाएंगे, करीब लगभग 10 मिनट तक में ये पक के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे पका करके बनाएंगे तो इसे हम बना करके एक बार में अधिक मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद में आप 2-3 बार या फिर जितने बार चाहे इसे पॉप्सिकल्स बना सकते हैं, और पका करके बनाने से इसका टेस्ट भी अलग आता है। पकाने के टाइम में इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। लीची का जो जूस है उसी से ही चीनी घुल जाएंगे और उसी से ये अच्छी तरह पक जाएगा। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमें इसी तरह का लीची चाहिए था। ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये लीची को एक अलग प्लेट, थाली या फिर किसी चीज़ में फैला करके रख देंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। लीची निकालने के बाद इसकी जो चाशनी बच जाएगी उसे फेंकना नहीं है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये लीची पूरी तरह से ठंडा हो गया है, चलिए अब इसको पीस लेते हैं। लीची को पीसने के बाद में हम इसे इसी चाशनी में डाल देंगे। लीची को पीसते टाइम उसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस उसे ऐसे ही पीस लेना है। अब आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दें। इसमें पानी मिलाना ज़रूरी है। इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दें। नमक बहुत थोड़ा ही डालें, ये सिर्फ चीनी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है और इससे पॉप्सिकल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो पॉप्सिकल बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक जार में भर लेते हैं या फिर आप इसे बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आपको जब भी पॉप्सिकल खाने का मन करे तो आप उसे पॉप्सिकल मोड में डाल करके तैयार करें और फिर झटपट से बना के इसका आनंद लें। इसको भर करके इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से जम जाए। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप इसके जगह पे ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं।
चलिए अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो हमारा लीची का ये पॉप्सिकल बन करके तैयार है। इसे मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ कितना सुंदर सा पॉप्सिकल बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। लीची का टेस्टी और हेल्दी पॉप्सिकल तो बन करके तैयार है। गर्मी के दिनों में आप भी बनाइए और इसका आनंद लीजिए। अब चलिए इसके जो जूस बचा था उससे मैं आपको ड्रिंक बना के बताती हूँ। इसमें करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस हमने जो जूस बनाया था उसे फ्रिज में चिल कर लेना है। फिर एक गिलास ले, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। मुझे ठंडा बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ ढेर सारा बर्फ लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार से ही लें। इसमें हम लीची का ठंडा ठंडा तैयार जूस डालेंगे। बस ये पीने के लिए तैयार है। गर्मी के दिनों में आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये ख़राब नहीं होगा। फिर आपको जब भी जूस पीने का मन करे, पॉप्सिकल खाने का मन करे, आप झट से लीजिए और तुरंत बना करके खाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।